Welcome to Vinita's Kitchen. Today I am going to teach you how to make besan ka laddu, the festival food. I have taken 1 katori besan, 1/2 katori powdered sugar. This is pure ghee. This I will not need so much. Ye mujhe itna nahi lagega. Isme isse thoda kam hi lagega, aadhe se thoda kam. और ये इलायची का पाउडर है, ये पीसी हुई शक्कर और बेसन, एक कटोरी ये भिगोया हुआ किशमिश और ये काजू के पीसेस हैं। अभी मैं ये बेसन के लड्डू माइक्रोवेव में बनाऊंगी। तो इस बेसन को पहले तो मैं एक माइक्रोवेव सेफ बोल में डाल देती हूँ। अब इसे मैं 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रोस्ट करूंगी। इसे मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है और इसका टाइम जो है वो मैं 10 मिनट के लिए कर देती हूँ और इसे ऑन करके छोड़ दूंगी। अब इसे बीच बीच में हमें थोड़ा हिलाते रहना होगा ताकि माइक्रोवेव के अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। जनरली मैंने बताया कि 10 मिनट्स के लिए, लेकिन बीच बीच में आपको चलाते रहना होगा वरना वो जल जाएगा। और जब बेसन की एक सोंधी सी खुशबू आने लगे भूनने की, तब आप उसको बाहर निकाल लें। अब इसमें मैं चीनी का पाउडर डालूंगी। ये मैंने 1/2 कटोरी रखा है। पीसी हुई चीनी और इसमें मैं थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून के करीब। अब ये जबकि गरम गरम ही है बेसन, उस समय हम इसमें घी डालेंगे। अब घी आपको डाल करके थोड़ा मिक्स करके देखना है कि वो बनने के इसमें आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी डाल देने से भी वो लड्डू शेप में नहीं रहते हैं और वो टूट टूट करके अलग होने लगते हैं। और कम घी डालेंगे तो भी वो लड्डू जो है वो बनते नहीं है, इसलिए हमें इतना घी डालना चाहिए एप्रोप्रिएट, ताकि वो बंद भी जाए और वो पिघल करके शेप भी उसका ना बिगड़े। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा किशमिश जो मैंने भिगो के रखा था और ये थोड़े काजू का टुकड़ा ये इसमें डाल दूंगी। अब इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ी सी घी और लगेगी, मैंने इसमें 4 टेबलस्पून के करीब घी डाला है। अब आप देख सकते हैं ये मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो इसे हम अब इसे लड्डू की शेप में दे करके इसे लड्डू के शेप में दे करके और इसे रख देंगे और आप इसे सो हियर द लड्डूज आर रेडी to be served. Thank you very much for watching my video. Have a nice day.